इंस्टेंट क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप सूजी। यहाँ पे अगर आपके पास सूजी अवेलेबल नहीं है तो आप रवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें ग्राइंड करना है तो आप रवा या सूजी जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद डोसा को हल्का गोल्डन कलर देने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच शुगर। और अब हम इसे लो स्पीड पर आधे मिनट तक अच्छे से ग्राइंड करेंगे। सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे। और ये मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ कि सूजी ग्राइंड होने के बाद एक दरदरा आटा जैसा उसका टेक्सचर हो जाता है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही आटा लिया है मैंने। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। तो यहाँ पे आपके पास अगर खट्टी दही है तो आप खट्टी या फिर नॉर्मल दही भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही को सबसे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसे हम मिक्स करते जाएंगे। एक साथ अगर हम सारा पानी ऐड कर लेंगे तो इसके अंदर लम्स हो जाएंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे और जो नॉर्मल डोसा का बैटर आता है वैसा ही हमें बैटर रेडी करना है। तो बैटर बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है और इतना बैटर रेडी करने में 2 कप जितना पानी लगा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डोसा बैटर के जैसे ही दिख रहा है। और अब हम इसे ढक कर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। दस मिनट हो चुके हैं और तवे को मैंने लो हीट पे गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम बैटर के अंदर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी जैसा ये बैटर भी बनकर रेडी है। और अब हम इसे डोसा बनाते हैं। तो उसके लिए हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी हम तवे के ऊपर छिड़क देंगे और उसे हम कपड़े या फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे वाइप करेंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो करेंगे और बैटर को हम तवे के ऊपर डालेंगे। पहले हम इसको बीच में फैलाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इसे स्प्रेड करते हुए बाहर की ओर फैला लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटर को स्प्रेड करते ही इसके ऊपर जाली जैसा बनने लगा है, यानी कि तवे का जो टेम्परेचर है वो मीडियम है। अगर हम तवे का टेम्परेचर हाई रखेंगे तो बैटर हमारा अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा और वो चम्मच के ऊपर वापस चिपक कर आएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर तवा ठंडा है और उसके ऊपर हम बैटर को स्प्रेड करते हैं तो डोसे के ऊपर इस तरह से पैचेस बन जाते हैं और डोसा हमारा क्रिस्पी नहीं बनता है। तो तवे को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए हमें क्या करना है कि 3 से 4 सेकंड तक तवे को हाई फ्लेम पर करना है, उसके ऊपर पानी को छिड़कना है और उसके बाद फ्लेम को हम लो करेंगे और बैटर को हम तवे के ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को लो रखा है और हल्का सा ऑयल मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और तवे को हम इस तरह से घुमाते हुए सभी ओर से इवनली इसको हम कुक करेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता है। और इसे हमें लो फ्लेम पे ही कुक करना है। डोसा गोल्डन हो चुका है और अब हम इसे हाथों की हेल्प से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुआ है और बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। खाने में भी उतना ही मज़ेदार है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी हुआ है। और अब हम एक मसाला डोसा भी रेडी कर लेते हैं। तो दूसरा डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस की फ्लेम को 5 से 6 सेकंड के लिए हाई करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो करने के बाद इसके ऊपर हम बैटर स्प्रेड करेंगे। तो बैटर को हम फैलाते हुए बाहर की ओर स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम डाल देंगे और 1 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हम सांभर मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और अब हम इसके ऊपर रख देंगे थोड़ा सा आलू मिक्सर और फॉर्क की हेल्प से इस तरह से हल्का सा मैश करते हुए इसे हम फैला लेंगे और फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे।
तो 2 मिनट के बाद अब हम इसे फोल्ड करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो तैयार है हमारा सूजी का मसाला डोसा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर से एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कुकिंग।